सुरक्षा ब्रीच हुई है वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, जीरो आवर का लास्ट टाइम था, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था, तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था, वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज़ थी, तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया, बैनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचे उन्होंने पकड़ लिया, तो फिर मैंने, मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे, जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है, उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया, ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है, तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था, तो फिर उतने देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब इनके सिक्योरिटी के, इससे बड़ा सिक्योरिटी चूक क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए, पुराना पार्लियामेंट था ये सब चीज़ें अलग अलग थी, तो वहाँ तक को पहुँचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे, तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं, हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया।